301 क्वेश्चन नंबर, झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? तो उराव। याद रखें, दूसरी बड़ी जनजाति उराव। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूई हर, भूई मत जंगल जमीन हर वक्त साफ, ऐसे याद रख लीजिए। जंगल साफ करने कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूई हर। उराव समुदाय में धार्मिक कृत्यों के संपादन कौन कराता है? तो पाहन, जो भी मैंने कहा ना, धर्म से रिलेटेड जो पंडित जो सब होते हैं। निम्न में से कौन उराव समुदाय में ग्राम का गांव का मुखिया होता है? तो उराव समुदाय में गांव का मुखिया को क्या कहते हैं? महतो। याद रखिए, महतो उराव समुदाय में गांव का मुखिया होता है। दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय से है? तो उराव से। ठीक है, तो दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन समुदाय से, किस समुदाय से? उराव। उराव समुदाय में गांव का मुखिया मातो। ठीक है, नेक्स्ट, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? हो, किस जनजाति से? तो हो से। निम्न से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? डायन प्रथा पाई जाती है, किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? तो हो, याद रखेंगे। तो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो से संबंधित, किस जनजाति में डायन प्रथा? तो हो। तो डायन लोग कभी मिलती तो हम लोग कैसे भगाते हैं? इसलिए हो करके भगाते हैं। याद रखिए, तो डायन प्रथा पाई जाती है किस जनजाति में? तो हो। तो डायन प्रथा हो। ठीक है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो वो भी हो से। हो जनजाति का ग्राम मुखिया किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या होगा आंसर आपका? मुंडा। बात को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? मुंडा। हो जनजाति का गांव प्रमुख किस नाम से? तो मुंडा। डायन प्रथा कहा हो, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था हो, दूध भैया, ठीक है। नेक्स्ट, हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो डाकुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डाकुआ। नेक्स्ट, याद रखिए, तो हो जनजाति शासन व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान होते हैं उसको क्या करते हैं? डाकुआ। तो याद रखिए। नेक्स्ट, 311 नंबर क्वेश्चन,